सो नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग आरटीपी नवंबर 2019 का कर रहे हैं, राइट? सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, जेवीजे, राइट? जेवीजी लिमिटेड प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट एंड ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड वैल्यू मटेरियल एंड फिनिश इन्वेंट्री एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मेटल 30 kg एट द रेट 350 पर kg, डायरेक्ट लेबर 5 घंटा करके 80। ठीक है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ जस्ट एंडेड, बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज सेम, राइट? डायरेक्ट मटेरियल बोला है 5000 kg एट द बिगिनिंग था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर द मंथ वॉज 10,000 kg, परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ वेयर मेड एट 365 डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, परचेजेस वॉज मेड, परचेजेस का रेट दे दिया, राइट? और डायरेक्ट मटेरियल का यूटिलाइजेशन वॉज 7,200 kg मोर देन द बजटेड क्वांटिटी, फाइन। डायरेक्ट लेबर का यूटिलाइजेशन और उसका कॉस्ट दे दिया है। अपने को पूछा है प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। नाउ यहाँ पे आप लोग देखे हैं, हम लोगों ने आपको बताया है क्लास में कि जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो परचेज क्वांटिटी पे आएगा और मटेरियल यूसेज वेरिएंस विल बी ऑन कंजम्पशन, राइट? सो इफ यू केयरफुली लुक, सो दोनों का बेस अलग अलग और यहाँ पे टेस्टिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे, राइट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि प्राइस आ रहा है परचेज क्वांटिटी पे और मटेरियल यूसेज वेरिएंस आएगा कंजम्पशन क्वांटिटी पे, तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, राइट? सो लेट अस प्रिपेयर कॉस्ट कार्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट 1000, एक्चुअल आउटपुट इज ऑल्सो 1000, क्योंकि लिखा है द बजटेड एंड द एक्चुअल आउटपुट इज सेम। राइट, फाइन। इनपुट रेट कॉस्ट, इनपुट रेट कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का बात करते हैं। एक का 30 kg, तो 1000 का होगा 30,000 kg, स्टैंडर्ड रेट 350, राइट? इन ऑर्डर टू मेक वन आउटपुट वी रिक्वायर 30 kg, राइट? ये नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वेरिएंस कैलकुलेशन में इसका कोई यूज नहीं है। नाउ 1000 आउटपुट बनाने में लिखा है 7,200 मोर देन द बजटेड, तो इन ऑर्डर टू मेक 1000 द बजटेड इनपुट इज 30, तो 7,200 मतलब 37,200 kg मोर देन द बजटेड, राइट? अच्छा, यहां पे ये रेट स्टोर लेजर बना के निकालना पड़ता है, रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है? स्टोर लेजर बना के वो रेट अपने निकालेंगे, तो इससे मतलब नहीं है, इससे भी अपने को एक बार मतलब नहीं है। डायरेक्ट लेबर एक प्रोडक्ट बनाने में 5 घंटा, तो 1000 बनाने में 5000 घंटा, रेट क्या है हमारा
80 करके, ये नहीं चाहिए। एक्चुअल आप देखेंगे 5300 आवर है और एक्चुअल कॉस्ट दिया है 434600, 434600। तो रेट क्या आएगा हमारा, 434600 डिवाइड बाय 5300, तो 82 रुपीज़ इज माई एक्चुअल रेट। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को वेरिएंस कैलकुलेशन में जो चीज चाहिए अपने उसी पे मेहनत करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपने को जो चीज चाहिए अपने को उसी पे मेहनत करना है। तो बेसिकली ये कॉस्ट कार्ड इनकम्प्लीट है, बट अपने को ये डाटा नहीं चाहिए। अगर आप केयरफुली एनालाइज करेंगे, हमारा प्राइस वेरिएंस निकलेगा परचेज। अच्छा, ये है कंज्यूम्ड, दिस इज कंज्यूम्ड, रिमेंबर। कंज्यूम का रेट अपने को नहीं चाहिए इस सब में, क्योंकि यूसेज वेरिएंस कंजम्पशन पे कैलकुलेट होगा। दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल इनपुट होल इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो है हमारे पास, जब अपने यूसेज वेरिएंस निकालेंगे तो अपने इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना। राइट, होल इन टू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, जब अपने प्राइस वेरियंस निकालेंगे तो प्राइस में क्या रेट डिफरेंस, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट अलग से दिया हुआ 365 इन टू परचेस क्वांटिटी। तो परचेस क्वांटिटी निकालेंगे क्योंकि अपने पास कंज्यूम्ड है। तो हैशटैग डायरेक्ट मटेरियल परचेज विल बी कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो 37200 प्लस 10,000, बैक कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा मेरा 42200 kg। अगर अपने को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस निकालने बोलता तो अपने वो छोटा सा स्टोर लेजर जो बनाते, तब इन दैट केस वी विल कैलकुलेट द कंज्यूम्ड वैल्यू ऑफ का कॉस्ट। बट अपने को वो चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे। इज दैट फाइन? सो दिस इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी हैव गैदर्ड। आप देखे तो सही, आपको बोला क्या है, यूसेज हमेशा कंजम्पशन पे निकलता है, प्राइस हमेशा परचेज पे निकलता है, और यहाँ पे टेस्टिंग फेल हो जाएगा। राइट, जरूरी नहीं है कि आप जितना खरीदेंगे उतना यूज होगा, देर विल बी सम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल लेफ्ट। राइट, आइए, सो नाउ इफ दे टेल अस टू कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरियंस, तो आई नो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट होल इन टू एक्चुअल इनपुट परचेस्ड। सो दैट इज लाइक 350 माइनस 365 होल इनटू 42200 kg। यस और नो? सो इट इज 15 इनटू 42200, 6,33,000 एडवर्स। सिंपल, वहीं पे अपने को मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है। सो इट विल बी स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल इनपुट कंज्यूम्ड होल इन टू स्टैंडर्ड रेट। सो दैट इज लाइक आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट्स 30,000 kg माइनस 37200 kg होल इन टू रुपीज 350। सो दैट इज 7,200 इन टू 350, दैट इज रुपीज 25,00,000, 20,000 एडवर्स। सिंपल है ना?
अपने को जितना कंज्यूम हुआ उसका एक्चुअल कॉस्ट चाहिए ही नहीं। वो कब चाहिए? जब अपने को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने बोलेगा ओवरऑल। तो पूछा नहीं, इंडिविजुअल पूछा, तो इंडिविजुअल के लिए अपने को ये वाला पार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट करने के लिए अपने को स्टोर लेजर बना के वो रेट निकालना पड़ेगा 37,200 का, राइट? दिस इज हाउ वी शुड डू इट। ठीक है, अभी लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, दैट इज 80 माइनस 82 इनटू 5,300, सो दैट कम्स टू 10,600 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे इनपुट फ्लक्चुएशन देखेंगे हम लोग। कौन सा फ्लक्चुएशन देखेंगे? इनपुट का फ्लक्चुएशन, राइट? सो दिस इज 5,000 आवर माइनस 5,300 आवर होल इनटू 80 रुपीज इज द स्टैंडर्ड रेट, दैट कम्स टू 24,000 एडवर्स। मैक्सिमम बच्चों से जब फीडबैक लिया गया, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दैट स्टोर लेजर। वो रिक्वायर्ड ही नहीं था। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है यूसेज फ्लक्चुएशन दिया हुआ है 7,200, बोला है ना 7,200 केजी मोर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अपने क्या है ना, फॉर्मूला रट रट के करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। लॉजिक लगाओ। रेट वेरिएंस मतलब द प्राइस डिफरेंस। यूसेज एंड एफिशिएंसी मींस द इनपुट डिफरेंस। रेट फ्लक्चुएशन इनपुट फ्लक्चुएशन, राइट? एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है? इज दैट फाइन एवरीवन? आइए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आंसर टू मार्जिनल कॉस्टिंग का समय, पीवीसी लिमिटेड सोल्ड 55,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट है 375 पर यूनिट। उसका वेरिएबल कॉस्ट है 175 मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का। दोनों ही वेरिएबल है तो कंट्रीब्यूशन से लेस हो जाएगा निकालते वक्त। फिक्स कॉस्ट बोलता है 65 लाख है, जिसमें 15 लाख का डेप्रिसिएशन है। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे कैश ब्रेक इवन और नॉर्मल ब्रेक इवन बोलेगा, वही बोला है। पीवी रेशियो बोला है और फिर बोला है कि नया यूनिट सेल्स यूनिट बताओ अगर हमको 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, और फिर से सेल्स यूनिट बताओ अगर हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख चाहिए, और टैक्स रेट दे दिया, राइट? अपने जो प्रॉफिट, जो मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट होता है ना, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वी टॉक अबाउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर अपने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना मेंटेन करना है तो उसको पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी विल गो फॉर द कैलकुलेशन। तो सबसे पहला नोट बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस वी सी। 375 माइनस 175 तो आएगा मेरा 200 रुपया पर यूनिट। सिंपल है, तो लेमैन भी बता देगा। बेटा कुछ कुछ समय ना कुछ होता नहीं है, बट अपने फालतू में उस चीज को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तुम जो हमको पूछ रहा था लास्ट क्लास, राइट?
जो तुम हमको लास्ट क्लास पूछ रहा था कि सर हम लोग कोई कोई इजी सम्स में स्टक हो जाते, तो स्टक होने का बात नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़ लो। हम लोगों को ऐसा लगता है कि एग्जाम में ऐसा ये क्वेश्चन क्यों आ गया कि ये हमको आता है, आता हुआ क्वेश्चन में हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को आता है। बेटा आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना प्रैक्टिस किया, आप पास पेपर करके जा रहे हो, आप रिविजन टेस्ट पेपर करके जा रहे हो, इतना प्रैक्टिस करके जा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आपको तो सम आएगा ही आएगा ना। बट ऑब्वियस है हमको एक कुछ भी क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर देंगे। अगर जो बच्चा रट के जाएगा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, तुम बताओ राहुल, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बट ऑब्वियस है। समझने की कोशिश करिए आप लोग, सिंपल सम है, सिंपल आंसर करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, क्वांटिटी मतलब इन यूनिट्स, दैट इज फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिंपल है, 65 लाख बाई 200। बत्तीस हजार 500 यूनिट। इसी का एक दूसरा है, कैश बीईपी बोला है, तो कैश बीईपी में कुछ नहीं करते, कैश फिक्स कॉस्ट लेते हैं बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो अपने लेंगे 50 लाख बाई 200। पच्चीस हजार यूनिट्स, इज दैट फाइन? एनी प्रॉब्लम एनी वन? आई डोंट थिंक सो। इस क्वेश्चन का पार्ट टू में क्या बोला है हम लोगों को, पीवी रेशियो, एक यूनिट का जो पीवी आएगा 100, 200, 500, 600, 700, 800, 1 लाख, 2 लाख का भी वही आएगा, 200 बाई 375 इंटू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स, 200 डिवाइड बाई 375, तो ये आ गया 53.33%। पार्ट थ्री में बोला है हमारे को EBIT कितना चाहिए, EBIT चाहिए हमको 5 लाख, तो प्रॉफिट चाहिए 5 लाख, तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट दैट इज कमिंग टू 65 लाख प्लस 5 लाख इक्वल्स टू 70 लाख। देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड इज इक्वल्स टू टोटल रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय टोटल रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट, पैंतीस हजार बेचने से आपको प्रॉफिट आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
इज दैट फाइन? ठीक है, अभी अपने को बोला है आफ्टर टैक्स अपने को कितना चाहिए? आफ्टर टैक्स अपने को चाहिए 5 लाख, और टैक्स कटा है 40%। इसका मतलब ये 60% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यस और नो? हाँ, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू पैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, दैट इज 5 लाख डिवाइड बाई 1 माइनस 0.40, दैट इज 5 लाख डिवाइडेड बाई 60%। इस टाइप का कैलकुलेशन हम लोग बहुत किए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में, जो लेवरेज आप लोग पढ़ा है ना, वहाँ पर बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लिया। सो 5 लाख डिवाइडेड बाई 0.6, 8333333.33, इतना हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? 65 लाख प्लस 8333333.33, दैट कम्स टू 73,33,333.33। देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इज इक्वल्स टू 73,33,333.33 बाई 200। थ्री सिक्स 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 सेवन यूनिट्स, यस और नो? अच्छा, सेल्स लेवल बोला है तो आपको क्या करना है? ये तो यूनिट्स में आ गया ना, सेल्स लेवल मतलब रुपीस, ठीक है? तो अगर सेल्स रुपीस में चाहिए तो 73,33,333.33 बाई 53.33%, डिवाइड बाय 53.33%, कितना आ रहा है? रुपीज
7508 59 है, तो आप ऊपर राउंड ऑफ कर लीजिए, ठीक है, इज दैट फाइन? अगर यूनिट्स में बोलेगा तो ऐसे, रुपीस में बोलेगा तो ऐसे। दिस इज माय रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन और ये मेरा नोट वन हो गया। सेल्स अगर यूनिट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रुपीस में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो। डन। ठीक है, इज दैट फाइन? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बजट का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत किया है। पहले एनालिसिस करके फिर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है हम लोगों को। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आइए क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। के एल एम लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड इट्स एक्सपेंस बजट फॉर 50,000 यूनिट्स इन इट्स फैक्ट्री फॉर द ईयर एंडिंग 1920 एज डिटेल्ड बिलो। डायरेक्ट मटेरियल सब पर यूनिट दिया है, तो अपने जब एनालिसिस करते, मैंने आपको बताया था हम लोगों को प्रेजेंट जो भी कैपेसिटी दिया है उस हिसाब से कॉस्ट स्ट्रक्चर है, तो वेरिएबल हमेशा अपने पर यूनिट रखेंगे और फिक्स कॉस्ट को जो एवरेज दिया है पर यूनिट उसको टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन वी गेट द टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हमारा सबसे पहला ही नोट है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये चारों का चारों वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 125 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कितना है? 50 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड 40 पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15 पर यूनिट। 125, 50, 40, 15। बाय नेचर ये सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नंबर टू,
सेलिंग एक्सपेंसेस में लिखा है 25 रुपया पर यूनिट, लेकिन उसमें 20% ही फिक्स्ड है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें दो पार्ट है, एक होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 20% ना, तो 25 का 20% दैट इज 5 रुपया पर यूनिट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आएगा बोलो, क्योंकि ये जो एवरेज निकाला हुआ है ये 50,000 यूनिट को कंसीडर करके एवरेज निकाला हुआ है, कितना 50,000 यूनिट को, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 80%, तो 25 का 80% विल बी 20 पर यूनिट, तो ये मेरा टोटल हो गया। मैंने बताया था ना ऐसा होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व, आई ऑलरेडी टोल्ड यू एनालिसिस करते वक्त इस टाइप का होता है। तो इस पॉइंट पे जो एवरेज आया वो इसी यूनिट से मल्टीप्लाई होगा तब जाके मेरे को टोटल फिक्स कॉस्ट मिलेगा। तो 5 रुपया जो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता जाता है, तो जो एवरेज आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर ऑफ यूनिट से जिसको यूज किया गया है उस एवरेज को निकालने में। फैक्ट्री एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों फिक्स्ड है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस का टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, हमारे को एवरेज दिया हुआ है 15 और ये 50,000 को कंसीडर करके एवरेज निकाला हुआ है, सो दैट विल कम टू 7.5 लाख, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का टोटल फिक्स कॉस्ट में एवरेज दिया हुआ है 8 और इस एवरेज को यूज करते वक्त 50,000 यूनिट लिया गया है, तो 4 लाख। हाँ ना, इज दैट फाइन? सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव डन इन क्लास नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 20, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में पूरा सेलिंग एक्सपेंसेस की तरह होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 का 85%, दैट कम्स टू 17 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट होगा 20 का 15%, दैट इज रुपीस 3 पर यूनिट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट होगा 3 × 50,000, दैट इज 1.5 लाख। एकदम सिंपल है। नाउ हैविंग डन द एनालिसिस, नाउ दे हैव टोल्ड अस टू प्रिपेयर द एक्सपेंस बजट फॉर द 35,000 यूनिट्स एंड 70,000 यूनिट, ठीक है?
तो अभी अपने को फ्लेक्सिबल बजट बनाना है कितने का, 35 और 70 का, तो 50,000 का भी कॉलम रखेंगे हम लोग, राइट। सो हियर कम्स फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर 1920, यस और नो? फॉर द ईयर 2019-20, राइट। 50,000 यूनिट पैंतीस हजार यूनिट्स, 70,000 यूनिट्स, इज दैट फाइन? 50,000 यूनिट, 35,000 यूनिट, 70,000 यूनिट, सारा का सारा खर्चा लाइन से लिखेंगे। सबसे पहला है 125 करके, डायरेक्ट लेबर है, पचास करके, वेरिएबल ओवरहेड है 40 करके, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 15 करके। देन वी हैव सेलिंग एक्सपेंसेस का टू पार्ट, वेरिएबल फिक्स्ड। तो वेरिएबल है 20 करके, सेलिंग का वेरिएबल 20 करके, फिर है हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में वेरिएबल है 17, फिक्स निकालेंगे तो ये जाके आएगा मेरा टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो पहले 50,000 वाले का भरते हैं, 50,000 इंटू 125, 62,50,000, 50,000 इंटू 50, 25 लाख, 50,000 इंटू 40, 20 लाख, 50,000 इंटू 15, राइट। तो मेरा आ गया 7.5 लाख। बैठाओ तुम लोग, वेरिएबल पार्ट सेलिंग एक्सपेंस का 20 करके, तो 20 इंटू 50,000, 50,000 फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी आ चुका है 2.5 लाख, फैक्ट्री एक्सपेंस का टोटल आ चुका है 7.5, और एडमिनिस्ट्रेटिव का 4,
डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल पार्ट है वो 17 करके है, साढ़े आठ लाख, और जो फिक्स्ड है वो मेरा आया 1.5 लाख। अभी जो फिक्स पार्ट है ना उसको तो एज इट इज कॉपी कर दो, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 7.5, 7.5, 4, 4, 1.5, 1.5, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम दिस कॉस्ट विल रिमेन द सेम। नाउ वेरिएबल पहले 35 का निकालो, तो 125 इंटू 35,000, तो आया कितना 43,75,000। 70,000 में ठीक डबल कर दो तो 87,50,000, 50 इंटू 35 तो ये आया 17.5, इसमें डबल कर दो 35, 40 इंटू 35 आया 14 लाख, यहाँ डबल कर दो 15 इंटू 35, 5, 25, यहाँ पे कर दो 10, 50, 20 इंटू 35, 7 लाख, यहाँ कर दो 14 लाख, 17 इंटू 35, टोटल कॉस्ट निकाल लो फटाफट एकदम जल्दी। कितना 1,49,00,000। एक करोड़ 8,95,000। लास्ट चला बताओ 2,02,40। इज दैट फाइन? किसी को कोई तकलीफ?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में थ्योरी है, ठीक है। तो पहला थ्योरी बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनका डिफरेंस बताना है। नाउ मैंने आपको पहले भी बताया था, इट विल बी बेटर अगर आप यहां पे डिस्टिंक्शन का वो बता पाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर डिस्टिंग, बेसिस किस बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। अगर मैं नेचर की बात करूं, विथ रेस्पेक्ट टू नेचर ये है क्वांटिटेटिव, राइट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालना, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस निकालना, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, राइट। यहां पे क्वालिटेटिव के बारे में बात भी होगी, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। जैसे मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था बैलेंस स्कोर कार्ड, उसमें खाली फाइनेंशियल मेजर्स को ही खाली नहीं देखा जाता, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटरनल कंट्रोल, इनोवेशन, इन्वेंशन, मतलब अदर एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो सीन। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसका सोल एंड सोल ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट असर्टेनमेंट। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन पर्पस, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है जिससे मैनेजमेंट डिसाइड कर पाएगा कि वेदर व्हाट काइंड ऑफ एक्शन और व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन नीड्स टू बी टेकन। इफ आई टॉक अबाउट एरिया, इट डील्स विथ ओनली कॉस्टिंग, बट यहां पे बजटिंग, फाइनेंशियल्स, प्लानिंग, टैक्सेशन, मतलब इट कवर्स मेनी एस्पेक्ट। यहाँ पे खाली कॉस्टिंग रिलेटेड बात होगी कॉस्ट अकाउंटिंग में, बस मैनेजमेंट अकाउंटिंग मे बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, मे बी रिलेटेड टू टैक्सेशन, टैक्स प्लानिंग, राइट। डेटा, इट बेसिकली डील्स विथ पास्ट एंड प्रेजेंट, इट मेनली फ्यूचर, दैट इज फोरकास्टिंग। राइट। रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स आर देयर, नो स्पेसिफिक रूल्स, इतना काफी है। अगर आप ये बेसिस नहीं भी लिख पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन जस्ट राइट डाउन द डिफरेंसेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्वाइट वाइडर, इट कवर्स अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, राइट। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोला है बजट मैनुअल। नाउ मैनुअल हेल्प्स इन बजट प्रिपरेशन, उसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हायरकी दिया रहता है, दैट कौन सा मैनेजर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीज़, राइट। सो बजट मैनुअल कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन बजट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। What kind of information are we talking about? Objectives and desired results. मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बजेटरी ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिपेयरिंग द बजट एंड व्हाट द रिजल्ट्स यू वांट? बजट बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज इज कि टारगेट कॉस्ट अचीव होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी टू मच फ्लक्चुएशंस इन योर कॉस्ट। इज दैट फाइन? ऑर्गेनाइजेशनल हायरकी ऑब्लिक चार्ट, कौन सा मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एक्टिविटी, राइट। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग कोड्स टाइम टेबल कि किसको कब तक बजट प्रिपरेशन जमा करना है, ये सब चीज, राइट। नेक्स्ट थ्योरी इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपको पूछा है, दे हैव आस्क्ड यू इक्विवेलेंट यूनिट्स। बेसिकली यूनिट्स अंडर प्रोसेस इनटू परसेंटेज कंप्लीशन, दिस विल गिव मी इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। एंड ये जो भी है हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए अलग अलग आएगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, राइट। हम लोग जो बनाते हैं, राइट, उसी को आप लोग अपने वे में एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर 200 यूनिट्स इनकम्प्लीट है, 25% कंप्लीशन स्टेज में है, सो 200 इंटू 25% दैट वी से 50 इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स, तो कॉस्ट जो एलोकेट होगा वो 50 इक्विवेलेंट यूनिट्स में एलोकेट होगा, 200 यूनिट्स में नहीं होगा, राइट। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड रिविजन टेस्ट पेपर ऑफ 2019, राइट। वी विल गो फॉर मोर रिविजन टेस्ट पेपर एज वी हैव प्रोमिस दैट वी विल बी कवरिंग यू
विल बी गिविंग यू मोर एंड मोर कवरेज. आप लोग देखे होंगे, इट हैज़ बीन सो मेनी क्लासेस आफ्टर वी हैव फिनिश्ड आवर सिलेबस. हम लोगों ने हमारा स्टडी मटेरियल से पहले किया, देन वी लुक्ड आफ्टर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल. उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज था तो उसको भी हम लोगों ने कवर अप किया. देन वी स्टार्टेड सॉल्विंग द पास्ट ईयर पेपर्स. व्हेन वी सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स, अभी तक हमने जो भी किया सब नया करिकुलम का पेपर्स किया है. आई हैवन्ट टच्ड दोज पेपर्स विच वेयर इन आईपीसीसी वाला टाइम, व्हेन उस समय कॉस्टिंग वॉज ऑफ 60 मार्क्स, एफएम 40 मार्क्स, उस टाइप का 50-50 का वेटेज रहता था. तो अभी मैंने नए करिकुलम के सारे पेपर्स आप लोगों को कराया, उस नए करिकुलम का आरटीपीस कराया है. पॉइंट क्या है कि जब हम लोग कोई भी पेपर या आरटीपी सॉल्व कर रहे हैं, उसमें यू मस्ट हैव सीन कि बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोगों को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. मतलब वाइल वी आर डूइंग द पास्ट ईयर पेपर एंड वाइल वी आर डूइंग दिस आरटीपी, तो वी हैव सीन दैट देयर इज हार्डली एनीथिंग टू लर्न. आई मीन कि हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड, हो सकता है कोई पेपर सॉल्व करते वक्त एक नया सम आ गया हो या एक नया सम या कुछ एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया है. इफ वॉट एवर वी हैव डन, अभी तक हम लोग सिंपली अपना कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया. हम लोग ऐसा कुछ नहीं कि अलग से कोई डिस्कशन किया. व्हाइल वी वेंट थ्रू द पेपर, हैव वी डिस्कस्ड एनीथिंग अलग से? नहीं, हमारा डिस्कशन किया हुआ था उसी पैटर्न में हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं. मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको मन में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यस आई एम कवर्ड अप वेल. देखो ये बोलना बहुत डिफिकल्ट होगा कि हमने सब कुछ कर लिया, ये इसलिए तो मैं देख रहा हूँ ना. मेरा कराने का क्लास में यही मकसद है कि कल को आपको ऐसा नहीं लगे कि हमारे से कोई चीज़ छूट रहा है. क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने कुछ छोड़ के जा रहे हैं आप, तो दैट विल क्रिएट अ डिफ़िकल्टी फॉर यू. तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नहीं आई एम प्रिपेयर्ड वेल. सो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता है, 50% प्रेशर वहीं रिलीज हो जाता है. द मोमेंट यू बिलीव दैट आई एम प्रिपेयर्ड वेल, आई एम कॉन्सेप्चुलाइज्ड वेल, सो ऑटोमेटिकली आपका बर्डन वहीं रिलीफ हो जाएगा. तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं. व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस पेपर वी आर ऑलवेज सीइंग कि देयर इज नॉट मच लेफ्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है. सब क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हाँ, या तो कुछ क्वेश्चन पूरा आता है या ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग को आधा आता है या थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से हो जाएगा. राइट, सो इस टाइप का है हम लोग, और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कवर मोर एंड मोर. थैंक यू.